मामा बात क्या है? हाँ बात खोऊं? बात खेता बार लागे, होकर आली बात प्यारी लागे। सवा मन को गुगरो इक मुर्गो बांधो जाए, रापला को घेसड़ो साड़ी सत्रह हाथ। राम बचाओ तो बचे न बचे नहीं मारी बात। तो एक पटेल छो, उनके चार बेटा छा। तो पटेल मागो बुढ़ापो, तो बुढ़ापो आगो तो महीना दो महीना वो बीमार पड़ो। बीमार पड़गो तो अब मर तो मैं तो आया कह गो भाई चार बेटा मसू तीन बेटा को मारा ही धन कमाए ने साजो छे और एक को कौन है आया खे और खत्म हो गया। तो साहब उनका कहीं दाग संस्कार कराया तीसरो हो गो बारो हो गो बारो या बर्बाद में गांव का ने इकट्ठा कराया समाज का ने इकट्ठा कराया। बोलिया भाई माँ को बाप मर तो यहाँ खेगो छो अग भाई मत एक को बट को ने मारो जे भी पूंजी से जी में और तीन को बट से माइन। अब थे बताओ कश्यान तो राखा और कश्यानी मसु निकाला चारू भाई। तो साहब पंच पटेल बेड़ा होगा तो वहां के यार समझ में कौन बैठी भाई तीन ने तो कशा ने बट दियो और एक ने बना बट कशा ने रखा। तो वहां में से एक पटेल घेचे अग भाई थे वो आंधी का गांव में जाओ और ऊंड था ने एक फलाना नाम को पटेल में ले लो ये नाम को कोई भी रख लियो बोमा राम पटेल में ले लो और वह इनको न्याय कर सके जे। तो वहां मसु एक पंच ने खंडाया अग भाई जा तू उन ले रहा। तो साहब वह चाल दी उंडा सु तो पटेल का गांव में जा और पहुंच गो। तो पटेल का गांव की सीमा के अंदर वह गुछियो और पूछो भाई बोमा राम पटेल जी छे कहीं। बोलिया वो मस वह लुगाई थी एक औरत बोली भाई वह तो खत्म हो गो बच मर गो। तो वह पंच सोचो सला पटेल मर गो तो बापा न्याय कुन कन करो और कुन खे बचाला पण के जा गसी चाला आपा हो सके जी लुगाई अपसेट हुए। तो आगे सी गयो तो फिर उन्हें एक औरत मिली तो बोलिया भाई बोमा राम पटेल जी का घर कोड़क सी छे। बोला बोमा राम का पटेल का घर आगला आगन जाओ और बाएं हाथ में घूम जो उन्हें था नो को घर मिल जा लो लेकिन वह तो बैरो हो गो। पंच देखो यार एक तो बोल रही छे मर गो दूसरी का जब बैरो हो गो चलो आगन चलो। तीसरी कन गयो आगन गयो मोल लाग मैन गुस्सो अरुण पूछो भाया बोमा राम पटेल का घर कश्या छे कच बाबा जा कु सामान रहा पण वह तो आंदो जगज वह देखी रे साला तीन तीन बात होगी एक तो खरीज खत्म हो गो एक खरीज बैर हो गो एक खरीज आंदो हो गो चाला तो सरी देखा। तो अब बोमा राम का घर का आ गए एक था एक जी माला पंच पटेल बैठे पे करे जा तो पांच सात उन भी पटेल बैठिया और उन जार पूछो भाई बोमा राम जी कौन सा छे। तो वह बोलियो भाया मैं छू। तो वह देखियो सड़ा ये डोकरा तो दिख भी रहो छे और या सुन भी रहो छे जीव तो भी छे। कहे भाई पटेल बाबा मैं थार कने मारो घर को न्याय करावा ना आयो जो पण पहली मुनिया बता थारा गांव को न्याय मारा समझ में को ना आयो। कहे काय बात हुई भाई बेटा? कहे पटेल बाबा पहले पहले एक लुगाई मिली मुने जिन पूछो अग बोमा राम पटेल जी छे गाई तो मुने बोली अगवा तो मर गो।
तो कुछ भैया बात सही छे, वो हमारी बेटी छी। अब तू की उम्र देख लो, लगभग 30-35 साल की होगी। और ऊं की शादी मुसु आज तक होबा में कौन आई, गरीबी छी। तो अब ऊं की ओढ़िया को तुम मरेड़ो ही छो। क्यों ऊं की ओढ़िया को जीव तो समय का फेरा हो जाता, लेकिन आज 35 साल की होगी तो ऊं की ओढ़िया तुम मरेड़ो ही छो। तो वह जी सुख ही वह तो ने भाई पटेल बाबा, बात तो मान वाली छे। पर एक बात है, दूसरी ने पूछियो तो दूसरी आई कही कच वा तो आंदो छे। कच बेटा यह बात भी सही छे, वो हमारी बहू छी। तो देखियो लो तुमने, मतलब उनको ब्लाउज भी फाट रहे छो, पेटीकोट भी फाट रहे छो, लुगड़ी भी फाट रही छी। और वो हमारा सामा और निकले छी दिन में 10 बार। तो मार्ग ने पीछा की व्यवस्था कोची तुम उनको तानी, मतलब उनका शरीर का कपड़ा को लिया से क्यों। तो उनकी ओडिया को तो मैं आंदो ही छू, क्यों मुन दीख तो शर्म आती तो मैं कपड़ा ले रहा तो उंगताड़ी। तो बेटा उनकी ओडिया को मैं आंदो ही छू। चल बाबा यह बात ही मान वाली छे। पर वो तीसरी है कही माने के जो तू बहरो छे कच वाची मारे घर आली। तो मैं श्याम ने जा जूर वापस श्याम ने घर आओ छो, तो वह मुन ब्याल उगाल दे छी, मतलब खानो परोस दे जी। अरे मोर कह तो देखो जी आपने बेटी ब्याह वाली भी होगी, देखो जी आपने बहू को कपड़ा भी कौन है, देखो जी आपना घर में सून भी कौन है। तो वह खैब करे छी। अरे मुँह की बात को जवाब को दे छो, अरे मैं मारे सुबह उठ फिर वापस पटलाए पर चल जाओ छो। तो ऊँची उड़ा को मैं बहरो ही छू कुछ, यह बात ही मान ली। तो कहते पटेल बाबा चालो था ने पंच बाबा याद करिया चेर मगे न्याय छे उन सुलझा रहा हूँ ले चाल भाया कच। तो साहब पटेल बाबू चाल दियो के लेरे लेरे चाल सब पंच बाबा नमस्कार करया, राम राम श्याम श्याम करया। और बोलिया बाबा थाओ काहे बात छे। कच भाई पटेल बाबा ये चार बेटा थारा सामने, अब यहाँ मसू एक बात बताओ या मरबालो डोकरो है खगो। अगर भाई यहाँ मसू तीन को बट चर एक को बट कौन, अब एक को बट के शन कौन दे। अच्छा ठीक छ, ई चारों बेटा ने कहे कमरा में बंद कर दियो। तो कमरा में बंद करा दिया। अरवा ने बोलियो पंचा ने कहे जाओ थे एक माटी को ही का पिता का समान एक माटी को आदमी बना ले आओ, और ई माले विराजमान कर दियो सीट माला थाई माला, मतलब तो माटी का बना दिया और रूमालों को विराजमान कर दिया। अब कह कि पगड़ी ले रहा हो साफो, और साफो लिया और इनका सिर माला रखो। तो पटेल को मरबाड़ा को साफो लिया और उनका सिर माला रख दिया। तो साहब अब वाम से एक एक वो बेटा ने बुलाया, कहे बेटा देख ये थारा बाप से और यह सिर पर उनकी पगड़ी रखी छे, और एक तू 7 जूती की दे ले और थारो बट पक्को जलो धन संपत्ति कमाए ने। वह बोलियो भाई पटेल बाबा हो हाथ जोड़ निवेदन यह छे, अक मारा वो तीनू भाई बचेड़ा छे ने ज्याने दे दीजिए धन संपत्ति कमाए ने बटे, बाकी मजूत। तो कहे भाई बाबा मारो बटे कैंसल कर दियो, रू तीनों भाई नहीं दे दीजिए। कच ठीक छे बेटा तू साइड में बैठ जा। दूसरा ने बुलाया कहे बेटा देख वो थारो बड़ो भाई छे तो तारा ही बाप के 7 जूती दे पाड़ियो और वह आपको बट ले लियो। अब तू भी थारो बट चाव है तो ई के पागड़ी के साफा के 7 जूत दे ले और तू भी थारो बट ले ले। वह भाई भी यह बोलियो भाई मारो बाप गयो स्वर्ग में गयो, मैं नरक कमाई ने था, अब मरिया गरिया के मैं 7 जूत कौन दे सकूं। वो भाई ने दे दियो और दोनों भाई पाचन से वाने दे दियो, मई धन संपत्ति में साजो कौन ले वो चाहो, मैं 7 जूत दियो कौन है, मई कमाई ने साजो लियो कौन है। कह जाऊंगा बराबर मजार बैठ जा। तीसरा ने बुलाया कहते भाया दोनों भाई तो देख इतारा बाप को जूत दे लिया, अब थारो नंबर से तीसरो तो तू भी एक 7 जूत दे ले और थारो बट ले ले।
कजे बाबा पटेल बाबा हो यज दो निभाए तो राख ले ला रे एक भाई पाछ लो जो राख ले लो मैं मारा पिताजी का मरिया कर पागड़ी का जूत को दे सो को कुछ तो कुछ भाई नहीं दे तू साइड के मैं जार बैठ जा। सो तन बुलाया कज भाया थारो बट चाव है तो ये थारो पिताजी छे या एको सापो छे एक साथ जूत दे ले और थारो बट ले ले। तो चौथाड़ो बोलियो कि सात का ही मैं चौदह जूत दियो आया कहता पटेल बाबा कहे भाई रुक जा भाई कहे पंच बाबा हो सुन लिया ये तीन उपाय को दी संपत्ति का मायने बढ़ चे अरे जी चौथो चे या बाप ने बाप कौन समझियो पहली भी शायद ही कि सेवा कौन करियो और आज मर बाग बाद भी कि पागड़ी का जूत दे बने तैयार हो रही चे तो इंक मायने इंको बट कौन है और तीनों को बढ़ चे। तो साहब उपंच बाबा न्याय को न्याय करे छे पहली और आज न्याय के साथ कोई कोने अन्याय के साथ ज्यादा छे। जय सिया राम।